हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो, अपने अपने घरों में सेफ हो। तो दोस्तों, आज से जो भी हमारी डाइट आने वाली है वो होगी फास्टेस्ट, कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हम प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ अ प्लान जिससे आपका वेट लॉस तो होगा बट इट विल टेक सम टाइम। और अभी मेरे को थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए हमने थोड़े से डाइट में थोड़े से इसमें गुड चेंजेस किए हैं जिससे हमारा वेट थोड़ा जल्दी रिड्यूस हो। उसी के साथ दोस्तों, मेरा ये ऑब्जर्वेशन था, जो हमारी डाइट थी वो बहुत बेहतरीन थी बट हमारा वर्कआउट बहुत कम हो रहा था, इसलिए अब मैंने थोड़ा सा वर्कआउट भी इसमें ऐड किया है। आज से हम शुरू करेंगे 108 सूर्य नमस्कार। आई नो 108 सूर्य नमस्कार फर्स्ट डे करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एंड हमको ये 7 डेज करना है। तो 7 अभी हम छोटा चैलेंज लेंगे, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मैं बहुत टाइम तक मतलब एक महीने का, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभी हम सबको क्रेविंग होती है, कभी कभी हम सब यू नो एक्सरसाइज से छुट्टी लेना चाहते हैं, एंड एवरीवन डिजर्व अ संडे। सो अभी हम 7 दिन के लिए करेंगे। आज डे 1 है, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि कितने मैंने किए हैं, बिकॉज एकदम से यू नो आई टोटली अंडरस्टैंड कि एकदम से मैं बोलूँगी 108 और मेरे से 108 होंगे नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह की कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आई विल बी शेयरिंग यू द ऑनेस्ट रिव्यू। उसी के अलावा दोस्तों, हम अपनी डाइट में ओट्स की कुछ रेसिपीज़ भी डालेंगे, सो दैट ओट्स आप लोगों को पहले से पता है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, वेट लॉस का सबसे बेहतरीन तरीका है ओट्स। सो हम उसे भी कोशिश करेंगे कि हम रात के टाइम ओट्स से ही बनी कुछ ना कुछ चीज़ें खाएं, और अगर थोड़ी बहुत हमको मंचिंग करने की हैबिट्स है तो उसमें भी हम ओट्स के कुछ बहुत अच्छे पुडिंग्स आते हैं तो हम वो ऐड करें। इससे क्या होगा, थोड़ा वेट हमारा जल्दी रिड्यूस होगा। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब चलो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी सुबह हो गई। मैंने फटाफट से सुबह उठते ही कैमरा हाथ में ले लिया है, मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठते ही एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा जल्दी इफेक्टिव रहेगा। सो चलिए चलते हैं। Thank you.
सो आई हैव डन विद 20 सूर्य नमस्कार एंड यू कैन जस्ट सी माई फेस इज स्वेटिंग और पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई हुई है. विल जस्ट डू मोर एंड ट्राई कि हो, बट आई डोंट थिंक सो कि होगा. बट वन डे आई विल डेफिनेटली डू 108 सूर्य नमस्कार. इट्स अ प्रॉमिस. लेट्स सी कितने और कर सकते हैं हम. जब तक दिन जान है तब तक हमको करना ही करना है. तो अब दोस्तों लूक फॉर्म वाटर में पी रही हूँ. उसमें थोड़ा सा नींबू मैं डालती हूँ और सीजनल कोई सा भी आप फ्रूट ले सकते हो. तो मेरे घर में आज एप्पल अवेलेबल था तो मैं एप्पल ले रही हूँ. आप इसकी जगह बनाना भी ले सकते हो. ये जो मैं पुडिंग बनाऊँगी उसमें बनाना भी बहुत अच्छा लगता है. कोई भी फ्रूट हो उसको इस तरीके से मैं लंबा लंबा कट कर रही हूँ. अब दोस्तों मैंने नॉर्मल जो ओट्स होते हैं अनफ्लेवर्ड वाली, वो वाले ओट्स लिए थे. रात भर मैंने इसे भिगो के रखा था दूध में. आप दूध दही या किसी पानी में भी भिगो के रख सकते हो. तो इस तरीके से दूध में मैंने इसको भिगो के रखा था. बोल में इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी. मीठे के लिए यहाँ पे मैं गुड़ ले रही हूँ. आप देसी खांड या फिर हनी का भी यूज़ कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दूंगी और लास्ट में इसमें थोड़ा सा हम जो हमने एप्पल लिया था उसे स्लाइस करके इसमें रख देती हूँ. बहुत ही टेस्टी ये पुडिंग बनती है. थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है इसलिए थोड़ा और इसका टेस्ट ना अच्छा लगता है मुझे. तो मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम ही मैं इसे खा रही हूँ. एप्पल्स यहाँ पे रख सकते हैं आप, चाहे तो ग्रेप्स जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सो दोस्तों अभी मैंने वर्कआउट किया है सूर्य नमस्कार 40 कर पाई ज़्यादा नहीं के. अभी मैंने बनाया है ये ओवरनाइट ओट्स का पुडिंग टाइप. इसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली देखी थी तो ये खा के बताती हूँ. बहुत सही है. खाते ऐसे लग रहा है कि पेट भरा भरा टाइप. और एप्पल का बहुत अच्छा इसमें क्रंच आ रहा है. लंच में दोस्तों मैंने बनाया था राइस. तो इसमें मैंने बहुत सारी वेजेस डाली थी और इतना छोटा सा बॉल ही हम राइस का लेंगे क्योंकि मैं आजकल चावल और रोटी को अवॉइड करना चाहती हूँ इसलिए. फिर इवनिंग स्नैक्स में दोस्तों आज नारियल लेके आई थी मम्मी. तो इसमें मैं थोड़े से आइस क्यूब डाल के थोड़ा सा नारियल पानी पी रही हूँ.
ये जो हमारा कच्चा नारियल होता है ना, उसी में थोड़ा सा पानी था, तो वही हम पियेंगे। और मेरे को और थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने एक एप्पल ले लिया, हाफ एप्पल था, तो वही सुबह का हाफ एप्पल था, तो इसे ही खा लेते हैं। अब दोस्तों डिनर का टाइम हो गया है, और डिनर 7 बजे से मैं पहले ही कर लेती हूँ, तो आज मैंने सोचा मसाला ओट्स बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने खूब सारी वेजीज ले ली थी, तो घर में जो भी वेजीज थी सब मैंने निकाल ली। इसमें मैंने धनिया, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर, ये सब चीज़ें थी। आपके पास जो भी कैप्सिकम हो आप वो सब ले सकते हो। तो इसे हम चॉप कर लेंगे। ओट्स बनाने के लिए थोड़ा सा हम तेल लेंगे, तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। जैसे ही ज़ीरा हमारा चटकने लग जाए तो हम प्याज डाल देते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया इसी टाइम पे डाल दिया है। इसे अच्छे से हम सॉटे कर लेते हैं, और जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप ओट्स में भर भर के वेजिटेबल डालना, हेल्दी भी हो जाएगा, उससे क्या होगा थोड़ा आपका पेट भी आपको भरा भरा लगेगा। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, थोड़े से मेरे पास कैप्सिकम थे वो भी इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सब चीज़ें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो जले ना, और ढक लेते हैं इसको ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाएँ। अब देखो ये सब चीज़ें अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे ओट्स। तो ओट्स एक छोटा बोल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, और इसे हम ढक के पका लेंगे। यकीन मानिए एकदम चटपटे मसालेदार ओट्स बनते हैं। और अगर आपको इसमें और मसाले ऐड करने तो आप मैगी मसाला कर सकते हो, अगर आपको मैगी का फ्लेवर बहुत पसंद है। हम इसी तरीके के बनाएंगे और इसको ढक के रख लेते हैं। करीबन 2-3 मिनट में ओट्स हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। वेजीज इसमें 50% कुक है, मुझे क्रंची अच्छी लगती इसलिए। बहुत टेस्टी बना, थोड़ा गर्म भी है। सो दोस्तों मैं अपना डिनर खाती हूँ, एंड आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय, वापस मिलूंगी ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तब तक के लिए बाय।